हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं कुछ स्केचेस कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा था एक व्लॉग के लिए, बट एक्चुअली नहीं हो रहा था। बट एनीवेज, इन दिस वीडियो आई एम कंप्लीटिंग सम ऑफ द स्केचेस। और कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में आपको बहुत ज़्यादा काम कंप्लीट करने होते हैं, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है फ़िलहाल मेरे साथ। और या आई एम अ बिट नर्वस बिकॉज काम भी करना है और इवन एक्यूरेट भी करना है। सो लेट्स सी, आई होप सब कुछ अच्छा हो। और बाय द वे, साउंड में आपको इम्प्रूवमेंट, मतलब तगड़ा इम्प्रूवमेंट दिखता होगा। लाइक अभी फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड, लाइक बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड है। और लिटरली इस साउंड में भी ये जो माइक है लाइक बहुत अच्छा कैप्चर कर रहा है। और आई मीन आई थॉट कि कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट बहुत ही छोटा सा है, बट एंड लाइक छोटे इम्प्रूवमेंट से रिजल्ट इज द इम्पोर्टेंट। लाइक एनी वेज यार, चलो ठीक है यार, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई मीन एक पिछले वीडियो में बताया था कि बीच बीच में ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, वैसे ही अभी मैं भी मतलब अभी थोड़ा सा आधा अधूरा ड्राइंग हो चुका है। कंसिस्टेंटली काम करते करते आप एक पॉइंट पे आके गिव अप कर सकते हो, तो इसीलिए आपको अगर गिव अप नहीं करना है तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेने बहुत असेंशियल है। आई मीन है लाइक बाय द वे, आज के दिन जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये दिन 4th of December है, जो कि है हम अपने इंडियन नेवी डे बोलते हैं कुछ। तो आपको पता है हमारे इंडिया में सबसे पहले नेवी किसने बनाई? आपको शायद पता होगा, शायद पता नहीं होगा, बट छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने सबसे पहली नेवी बनाई अपने इंडिया में टू प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज एंड ऑल। अगर आपको डिटेल में स्टोरीज चाहिए तो है, अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारे जनों ने उस पे ऊपर वीडियो बनाई है। डिटेल में आपको बता नहीं सकता हूँ, बट या इट इज़ ट्रूली प्राउड ऑफ लाइक टू बी एन इंडियन लाइक या एनी वेज गाइज। सो थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं आपके साथ थोड़ा सा चिट चैट कर रहा हूँ। और बाय द वे, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा कि लाइक ये माइक की जो क्वालिटी है लाइक आपको पसंद आ रही है या नहीं। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो वीडियो क्वालिटी होती है, वीडियो क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद अगर ऑडियो अच्छा ना हो तो वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है। वेयर एल्स अगर ऑडियो भी अच्छा हो, वीडियो भी अच्छा हो, वीडियो तो मैं आपको लाइक स्टैंडर्ड क्वालिटी दे रहा हूँ, बट एनी वेज अगर मैं वीडियो को मैं थोड़े टाइम बाद अपग्रेड करूँगा, बट एनी वेज अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आ रहा है तो अभी के अभी जस्ट एक बार लाइक बटन को हिट कर दीजिए, और मुझे कमेंट में बता दीजिए और क्या आपके राय है इस विषय में। मज़ा आ रहा है यार ऐसे बोलने में, मतलब मैं ऐसे कंसिस्टेंटली बहुत टाइम बोल सकता हूँ आपके साथ ऐसे ही, मतलब कंटिन्यू। यू नो मैं ना इस ये रिकॉर्डिंग सुन रहा था, मुझे ना आरजे लोग की याद आई, लाइक होते हैं ना नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे शुभम और स्वागत करता हूँ आपका रेड एफएम। एनीवेज थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ और आपको मिलता हूँ मैं इस ब्रेक के बाद, और डायरेक्टली होपफुली ड्राइंग ही डायरेक्ट करूँगा, और इवन और एक ड्राइंग है वो तो मुझे कलर्स में करना है, वाटर कलर्स में। मे बी ये वीडियो बहुत खींचने वाली है यार मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, बस हो गया। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि ना ये जो माइक है वो सिर्फ लेफ्ट चैनल में ही क्यों अपना जो भी है वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, बट आई एम स्टिल फिगरिंग आउट दिस थिंग्स एंड ऑल दिस स्टफ्स। सो ये सब फिगर आउट करते करते मुझे थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। सो मे बी मैं नेक्स्ट या फिर उसके आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छा सा क्लीन ऑडियो दे दूँगा,
और पता नहीं चैनल के लाइक अभी बिगनिंग में जो भी ऑडियो आया था वो खुद ब खुद दोनों चैनल में से रिकॉर्ड हुआ था। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड एंड बाद में ये ऐसे होने लगा। आई डोंट नो व्हाट इट्स हैपनिंग। और इवन मैं अभी एडिट कर रहा हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट इट्स हैपनिंग। आई मीन एक ही चैनल में रिकॉर्ड हो रहा है लेफ्ट चैनल में, और जो राइट चैनल है वो ब्लैंक आ रहा है। लाइक उसमें कुछ साउंड नहीं है। लाइक उसमें सिर्फ एक छोटा सा एकदम लाइक वो 1% वाला एम्बियंट साउंड है। बट एनी वे सो या दिस इज़ द स्केच। और देख के आप बोल सकते हो कि मैंने इसमें हैचिंग टेक्निक यूज़ करी है। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू सून। और बाकी जो दूसरा वाला स्केच है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।